नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो ये तो बता कि आजकल हंगामे क्या चल रहे हैं। नहीं यार। हेलो सिस्टर मेजी। ओह हेलो डॉक्टर श्याम। हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। कहिए सब ठीक ठाक तो है ना? फर्स्ट क्लास। सिस्टर दिस इज डॉक्टर राकेश, ही जस्ट जॉइन टुडे। एंड सिस्टर मेजी। हेलो। हेलो, नाइस टू हैव यू विद अस डॉक्टर। अच्छा इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ ओके, बाय बाय। बाय बाय। नाइस पर्सन, वेरी स्वीट यार। सिस्टर मेजी से तो सारे अस्पताल के लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्हें चाहे कोई कितना भी काम दे दे, 6 बजे नहीं कि इनका सारा काम खत्म। अच्छा
रोज शाम को ठीक 6 बजे सिस्टर मेजी के बॉयफ्रेंड साहब इन्हें स्कूटर से लेने आ जाते हैं और नीचे से टेटे 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 मियां मजा ले जो एक मिनट की देर हो जाए। अच्छा ही है, इंसान प्यार से हमदर्दी सीख जाता है और हमदर्दी का जज्बा हमारे पेशे में बहुत जरूरी है। बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर ऐसा करते हैं कि इस अस्पताल को मरीजों के बजाय आशिकों का डेरा बना लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। तो नहीं सुधरेगा यार, कभी नहीं सुधरेगा। ये अस्पताल है या धर्मशाला? अरे अरे धर्मशाला कौन कह रही है? अस्पताल है अस्पताल, अपनी सरकार का अस्पताल है, इसीलिए हम पढ़े यहाँ, कोई का एहसान नहीं है, समझे? मरीज है हम, मरीज बीमार। कब से रोटियां तोड़ रहे यार नंदलाल, शर्म आनी चाहिए, हद होती है किसी बात की, हर बार बहाना बनाकर घुस जाते हो। चेक कराओ। अरे चेक कराओ ना, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर चेक कराओ। हे हिम्मत तो चेक कराओ, अगर नहीं रिपोर्ट आए हमारे बीमार होने की तो नाम बदल देना। हाँ, ताकि इसी बहाने तू 15 दिन और पड़ा रहे। अबे जाता है कि धक्के देके निकालूं तुझे। पार्टी से दूर भाग, क्या पार्टी से दूर, हाथ हाथ नहीं लगाना मेरे को। अरे तेली का तेल जले, मसालची की जान जले। अरे अस्पताल तो मरीजों के लिए होता है, मरे बाप का घर समझ रहा कैसा ले। डॉक्टर देखिए देखिए क्या धांधली मचा रखी है अस्पताल में, बीमारों को निकाला जा रहा है। अरे हम नहीं रहेंगे यहाँ तो क्या बाराते ठहराओगे इस बिल्डिंग में? देखो नंदलाल, तुम 15 दिन से रह रहे हो यहाँ पर। एक हफ्ता, कौन साला कहता है कि मैं यहाँ 15 दिन से ठहराऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, एक हफ्ता से। देखो अब बहुत हो गया, तुम जाओ। कहाँ जाऊं साहब, आप ही बताओ कहाँ जाऊं? फिर वही फुटपाथ पर सोऊंगा, भूखों मरूंगा, फिर बीमार होऊंगा, फिर आप ही मेरे को एडमिट करोगे साहब? हुजूर भेजे ही क्यों रहे हो मेरे को? तुम कोई नौकरी को नहीं कर लेते? दुखती रग पर हाथ रख दिया साहब, नौकरी साली मिलती कहां है? कोशिश करो। कोई बात नहीं साहब, आप बोलते हैं तो चले जाते हैं, कोई नौकरी मिल गई भाग से तो वो भी कर लेंगे। गुड लक। अपन तो अस्पताल में पैदा हुए हैं और अस्पताल में मरेंगे। अरे हाय रीता। राकेश बाबू कब आए? आज ही। अब मजा आएगा, जाओ पहले अंदर जाओ, भुगत लो फिर मिलेंगे। जाओ रीता, तुम कब सुधरोगी? कम इन। How are you, sir? Aha, आ गए, आओ बैठो। Thank you, sir. मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? ऐसी बात कि सर्जिकल डिपार्टमेंट में एक जगह खाली थी तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया, बाद में सोचने लगा शायद तुम यहाँ आना पसंद भी करोगे या नहीं करोगे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जिस हॉस्पिटल से मैं बहुत कुछ सीख सका, वहां लौटना तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सुना है सजो। अच्छा एक सवाल है, वो रियाज जारी है ना? रियाज? हाँ वही चाकू कंची छुरी वाला। सर मिसेज माथुर कैसी हैं? बस ठीक ही हैं, मेरा तो वक्त कॉलेज में बीत जाता है। शी फील्स वेरी लोनली। अच्छा ऐसा करो तुम जरा डॉक्टर दुबे से मिल लो, दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट के सब प्रॉब्लम वगैरह समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे ट्रांसफर पेपर? हाँ मैं रख लेता हूँ, मैं चलूँ सर। ओके बाय। Thank you.
तुम कैसी हो सुधा? ठीक हूं। कब आए? कल ही। शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आज से मैंने अस्पताल ज्वाइन कर लिया है। राकेश, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। बदल तो तुम गई हो सुधा। काम यहाँ, बस मजाक बंद। इधर आस्था, देखो पकड़ लिया तो बहुत पिटाई करूंगा। इधर आगे भी माय सिगरेट। ये क्या बच्चों जैसे हरकत है? सॉरी। आपकी तारीफ? ये है डॉक्टर राकेश, हम दोनों एक साथ कॉलेज में थे। अच्छा। और ये है मेरे पति उर्फ सरोज कुमार। सरोज लेखक जी? हाँ, मैं आपके कुछ लेख और कविताएं पढ़ चुका हूँ। अच्छा, बहुत पसंद आया। अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे पाठकों की मेहरबानी से तो हम लोग जिंदा है। आइए डॉक्टर साहब, घर चलते हैं, आराम से दो कप चाय पियेंगे बैठकर। आइए। जी सरोज साहब, आज नहीं, कुछ जरूरी काम है, फिर कभी। अच्छा, आस्था डॉक्टर साहब फिर आइएगा जरूर। हाँ सुधा आओ। आस्था, देखो अब की बात पिटाई जरूर होगी। आस्था कम यहाँ, मैं चलती हूँ। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा। आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा।
मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्कुराएगा। शादी करोगी? ख्याल तो अच्छा है, चल के माँ से पूछ लो। माँ से क्यों? पहले परमिट तो ले लो। हाँ तो जनाब, आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी जी हाँ जी हाँ। यहाँ का आसपास का माहौल देखा है बरखुरदार? तुम मेरे बारे में यह भी जानते हो कि मैं सारी जिंदगी पेशा करती आई हूँ? मैं जानता हूँ, लेकिन लेकिन ये सब आप क्यों कह रही हैं? इसलिए साहबजादे कि सास से मैं तुम्हारी बन सकती हूँ, लेकिन ससुर को ढूंढने कहाँ जाओगे? ससुर तो सारे शहर में फैले पड़े हैं। क्या तुम्हारे माँ और बाप इस बात को जानते हैं कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो वो एक रंडी की बेटी है? मेरी मानो तो उन्हें बताना भी नहीं, नहीं तो वो अपनी चौकट पर सर पटक पटक कर मर जाएंगे। जी ऐसी बात नहीं है, मेरे मम्मी और डैडी एकदम नए विचारों के हैं, वे शादी से इनकार नहीं करेंगे। देखो बेटा, मैंने इस पेशे को बहुत पहले इसलिए छोड़ा था कि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी सुधा एक इज्जत की जिंदगी गुजारे। तुम बहुत बड़े खानदान के बेटे हो, अगर मेरी बेटी तुम्हारे खानदान में बहू बनकर आई तो उसे जिल्लत, नफरत और हकारत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और ये मैं नहीं चाहती, नहीं चाहती। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सुधा की बेइज्जती मेरी बेइज्जती होगी। आप यकीन रखिए, मैं अपने मम्मी और डैडी को आसानी से मना लूंगा। प्लीज चलो, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम्हारे खानदान की बहू ये खड़ी है, अगर हो सके तो ले जाओ उसे। ये शहजादे, इस बार मोहब्बत की जंग में किसकी जीत हुई, शहजादे सलीम की या हमेशा की तरह शहंशाह अकबर की? बोलो ना सुधा, माँ और बाबूजी शादी के सख्त खिलाफ हैं। सुधा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर अभी इसी वक्त शादी करना चाहता हूं। नहीं राकेश, इसी बात का डर था, जिस आंगन में पलकर बड़ी हुई हूं वहां मैंने मुखौटों का बेईमानी खेल खूब देखा है। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, हम प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ यही बात हमें सुखी रखने के लिए काफी नहीं है। तुम मुझसे प्यार करने से पहले डॉक्टर के सपने से शादी कर चुके हो, जब टूटे सपनों के कांच पैरों में गड़ेंगे और तुम खून से सने पैर लिए घर लौटोगे तो तुम्हें मुझे नफरत हो जाएगी। सुधा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कहीं भी पार्ट टाइम नौकरी करके डॉक्टर। नहीं राकेश, मेरा कलंक तुम्हारा पीछा मैं करेगा, मेरे साथ रहकर तुम, मैं तुमसे प्यार करती हूं इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। सुधा तुम कैसी बात कर रही हो,
ये फैसला करना मेरे लिए भी कम मुश्किल नहीं था, मगर ये इस शहर में अम्मा को सब लोग जानते हैं। हम किसी और शहर में जाके बसने का सोच रहे हैं। सुधा, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं। राकेश, हाय। अरे सुधा। हाँ फालतू। सुधा सर, डेटॉल लाना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? खून, इतने से कट से इतना सारा खून निकला, अभी 6 दिन तक चलेगा। सुधा। हाँ लाती हूँ। डेटॉल लो। क्या हुआ? अरे करके देखने दे। देखे? स्टिच लगाना पड़ेगा। इतना सा लगा और इतना शोर मचा रहे हो। नहीं देखे? देखो सच ए डीप कट। खून खराबे से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा आधा वर्ष मियाँ। अरे आतिश मियाँ, आइए आइए। क्या बात है, बड़े जश्न के साथ दाढ़ी वाड़ी बनाई जा रही है मियाँ। अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए मैं, कहाँ से? बड़े जाहिलो मियाँ, दरअसल मुशारे लूट के आ रहा है आतिश इंदौरी। अच्छा, कहाँ गए, कहाँ थे? खैर छोड़े इन बातों को, तस्लीम भाभी जान, तस्लीम। पकौड़ी बना के लाती। भाभी बड़ी समझदार है यार। भाभी जान वाकई ग्रेट है। भाई आतिश मियाँ, 2 बार आपके घर का चक्कर लगाया मैंने, पता चला जनाब तशरीफ नहीं लाए, न कोई खत लिखा है ना कुछ। यार मैं ग्वालियर तक गया था एक मुशायरे में, सोचा 2-4 दिनों में लौट आएंगे, लेकिन साहब कौन आने देता है। दावत नामे मिलते चले गए और हम शहर पे शहर बढ़ते चले गए। अब यार मजा आ गया। हाँ, वो दावतें, वो गजलें, वो लतीफे और वो शराबे। हाँ शराबे और मियाँ हर किस्म की। मजा आ गया। सुनो भाभी कह रही थी कि तुम्हारा पीना वीना बहुत बढ़ गया है। क्यों? हाँ यार अजीब औरत है, 2 पैग मैं पीता हूँ दिन में और आउट वो हो जाती है। हाँ यार पीने की बात पे एक गजल याद आई। अच्छा सुनोगे तो फड़क उठोगे। इरशाद, इरशाद आली। दिन भर धूप का पर्वत काटा, दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम। बढ़िया, आगे क्या है? आगे पिलाओ तो बताते हैं। देखो पिलाना काम मेरे दुश्मनों का है, मैं तुम्हारा दोस्त। मियाँ नहीं पिलानी तो मत पिलाओ, लेकिन भागने तो मत झाड़ो साले, खुद तो 50 सिगरेट पी जाते हो। हर सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। लो सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। हाथ देखो अपनी, तो पकोड़े आ गए। अभी जान भाभी जान, पकोड़े बाद में, पहले से किसी डॉक्टर या हकीम को दिखाइए। माजरा क्या है? नहीं नहीं भाभी ये नहीं चलेगा, ये काम कल सुबह सबसे पहले होना चाहिए। पेशेंट का नाम? पेशेंट बताओ। सरोज कुमार। बीमारी क्या है? कोई बीमारी बीमारी नहीं है साहब। पेन इन द चेस्ट, खांसी बहुत आती है। किस डॉक्टर से मिलना है? डॉक्टर राकेश शर्मा। सुधा। डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो, ये इनका। अच्छा हुआ आप मिल गए डॉक्टर साहब, मेरा सारा मोहल्ला आपको बहुत दुआ देगा। क्यों भाई, क्या हो गया? बात यह है कि बहुत बीमार है, रात रात भर खांसती रहती हैं। सरोज? सारे मोहल्ले वालों की नींद हराम कर रखी है। हाँ ये बात जरूर है कि उससे चोर नहीं आते, लेकिन आप मेरा सोचिए ना, मैं कब तक इसकी खांसी की वजह से रात रात। सच ये है राकेश के? हाँ बता दो बता दो। तो राकेश से घबराने की क्या जरूरत है, माना तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अभी तो डॉक्टर है ना। तुम मुझे बोलने भी दोगे? बात यह है कि अब आई बात समझ में। सुधा तुम उस सोफे पे जाके बैठो, मैं इनकी पूरी जांच करके आता हूँ। अरे जी बात नहीं डॉक्टर साहब, बीमार तो ये है तो मेरी जांच किस लिए करवाएंगे? अरे भाई ये इलाज का नया तरीका है, चेकअप तुम्हारा होगा, दवाइयां ये लेंगी, ठीक तुम होगे। चलो आओ। आउट। आउट। डिपी तुम फिर शुरू हो गए बेटे, ऐसे नहीं करो। देखो तुम्हें बिशन सिंह बेरी बनना है कि नहीं? हाँ बनना है ना, तो इसे इसके अंदर रखो, बन जाओगे। अब आराम से लेट जाओ। शाबाश। सिस्टर एक गिलास पानी पिला दो। हाँ वार्ड बॉय आके दे देगा। सिस्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर।
बेड नंबर 18 की ब्लड रिपोर्ट आई क्या? हाँ, जी हाँ, वो आ गई। दिखाइए। अभी? वो सिरिल के आने का टाइम हो गया। ओके सिस्टर, यू कैन गो। थैंक यू डॉक्टर। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।